नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के बारे में। अगर आप एक कैंपेन बनाते हैं डिस्प्ले वीडियो डिस्कवरी में, जिसमें आप डिफरेंट जो टारगेटिंग हम सिग्नल कहते हैं आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं, तो किस तरीके से जो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए गूगल आपको हेल्प कर सकता है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का रोल आता है। पहले यहाँ पे जो ऑप्शन था वो ऑडियंस एक्सपेंशन का था, बट अब इसको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग गूगल यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे पहले पीपीटी में समझेंगे कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होता क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, कितने कन्वर्जन होने चाहिए आपके पास, पीपीटी में समझना जरूरी है। एक बार जब आपको ये सब पता होगा किस तरह से वर्क करता है, और उसके बाद में आपको गूगल एड अकाउंट में जाके दिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं आपको नए कैंपेन में चूज करने के लिए। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन है तो कहां पे आपके पास ऑप्शन होता है जहां पे आप जाके जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो कैंपेन के गोल के बेसिस पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपको हेल्प करता है कि आप नए या जो रेलेवेंट ऑडियंस है उन तक पहुंचे जिनके चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हों। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग जो होता है वो ऐसा नहीं है कि जो आपने मैन्युअली सिलेक्टेड ऑडियंस किया उन्हीं के जैसे लोगों को ही ढूंढ रहा है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग जो आप मैन्युअली सिलेक्टेड ऑडियंस सेगमेंट होते हैं उनके बियॉन्ड, मतलब उनसे हट के भी जो ऑडियंस सेगमेंट होते हैं उनको फाइंड आउट करता है जो कन्वर्ट हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। वो हो सकता है कि आप मिस कर गए हो जब आपने अपना कैंपेन क्रिएट किया है। दोस्तों एक बार डिफरेंस समझते हैं कि जो ऑडियंस एक्सपेंशन है वो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। जो ऑडियंस एक्सपेंशन होता है वो क्या करता है कि आपको ज्यादा कन्वर्जन मिले, तो जो भी आपके मैन्युअली सिलेक्टेड ऑडियंस सेगमेंट है उनके जो जैसे और ऑडियंस सेगमेंट होते हैं उनको भी ऐड करता है टारगेटिंग में। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग भी क्या होता है, आपको एडिशनल कन्वर्जन मिले तो जो आपकी टारगेटिंग में ऐड करता है उन लोगों को जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं वो कन्वर्ट हो। किसके बेसिस पे, जो रियल टाइम कन्वर्जन डेटा होता है कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं रिसेंटली उन्होंने क्या सर्च किया है। अगर आप यूज करते हैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को तो जो आपके मैन्युअली सिलेक्टेड ऑडियंस सेगमेंट होते हैं जस्ट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो गूगल एड उनके स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उनके बेसिस पे जो और रेलेवेंट हो सकते हैं, जो मतलब ऑडियंस कन्वर्ट हो सकती है, उन ऑडियंस सेगमेंट को एड कर लेता है। तो इस तरीके से जो ऑडियंस एक्सपेंशन है ये डिफरेंट है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग से। दोस्तों समझते हैं कि जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग किस तरह वर्क करता है। जो भी आप नया कैंपेन आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑन होता है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको ऑफ कर दें, बट ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। सेकंड, ये वर्क किस तरीके से करता है, तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं आपके लैंडिंग पेज पे या जो आपकी क्रिएटिव एसेट्स में कीवर्ड होते हैं ये उनके बेसिस पे क्या करते हैं, ऑडियंस सेगमेंट को फाइंड आउट करता है जो आपके कैंपेन गोल को मीट कर सके या जो आपकी कैंपेन गोल जो अगर आप अचीव करना चाहें उसको अचीव करने में ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको टर्न इट ऑफ कर सकते हैं व्हेन एवर यू वॉन्ट। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग यूज करता है जो आपने टारगेटिंग सिग्नल को सिलेक्ट किया है उनके बेसिस पे जो और ऑडियंस सेगमेंट को ऐड करता है, और अगर लगता है कि जो गूगल ऐड ने जो मतलब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ने ऐड किए हैं सेगमेंट वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने ऐड किए हैं, तो आप वालों पे जो ऐड है वो कम हो सकती है, बिल्कुल स्टॉप हो सकती है, और जो गूगल या गूगल ऐड ने ऐड किए हैं सेगमेंट उन्हीं पे ऐड जो होगा। दोस्तों ऑप्टिमाइज टारगेटिंग किस तरह वर्क करता है ब्रांड सेफ्टी के साथ। ब्रांड सेफ्टी क्या, जैसे आप जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि सर्टेन कंटेंट पे आपकी एड नहीं शो करे, तो इस केस में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने की जरूरत है अगर आप यूज करते हैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को, बिकॉज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग रिस्पेक्ट करता है कि जो भी आपका सिलेक्शन है जिस कंटेंट पे आप नहीं चाहते आपकी एड आए तो उस पर आपकी एड नहीं शो होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ बिडिंग स्ट्रेटजी जो गूगल सजेस्ट करता है। गूगल कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक को जनरेट करना चाहते हैं तो जो कॉम्बिनेशन गूगल सजेस्ट करता है कि आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को यूज करें मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ, और साथ ही में जो आपका साइट विजिट है उसको आप एक कन्वर्जन टाइप रखें तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस कन्वर्जन पे है तो आप उसमें आप टारगेट सीपीए या आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट सीपीए को ही सिलेक्ट करें, और आपका अगर कैंपेन बिल्कुल नया है तो आप एनहांस सीपीसी से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप टारगेट सीपीए को सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल इसलिए सजेस्ट करता है इन बिडिंग स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के साथ, बिकॉज ये क्या होता है जो आपका कन्वर्जन डेटा को रीड करते हैं तो आपकी कैंपेन को बेस्ट वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कैंपेन परफॉर्मेंस की। अगर आप यूज करते हैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है
वो आपके लिए रेलेवेंट ऑडियंस सेगमेंट को फाइंड आउट करें जो कन्वर्ट होने में ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी कोई भी नई कैंपेन है तो जो गूगल सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट आपके पास 50 कन्वर्जन होने चाहिए, या आप उसको एटलीस्ट 2 वीक्स को रन करने दें, उसी के बाद आप जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करें। तो अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन है उसमें आपने जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को एनेबल किया है तो एटलीस्ट उसको 2 वीक्स का टाइम दें, उसे चलने दें, उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस आप उसका एनालिसिस करें। स्टार्टिंग में पॉसिबल है कि जो आपका कॉस्ट पर एक्शन है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, तो उसको आप कुछ टाइम देंगे तो होगा क्या, उसके बाद गूगल जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग वो लर्न कर लेगा कौन सी टारगेटिंग आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है, तो उसके बाद ऐसा नहीं, जो आपका कॉस्ट पर एक्शन है वो इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा और आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेंगे। आप बात कर लेते हैं कि कौन सी कैंपेन टाइप के साथ हमारा ऑप्टिमाइज टारगेटिंग वर्क करता है। डिस्प्ले कैंपेन के साथ वर्क करता है, डिस्कवरी कैंपेन के साथ वर्क करता है, और जो आपकी वीडियो कैंपेन है उनके साथ वर्क करता है, जिसमें आप चूज करते हैं सेल लीड या वेबसाइट गोल को जब आप कैंपेन को क्रिएट करते हैं। जो भी हमने 3 कैंपेन टाइप की बात की उसमें डिफरेंट टारगेट सिग्नल हो सकते हैं, तो वो भी डिफर कर सकते हैं, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले को चूज करते हैं। डिस्प्ले में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ऑडियंस सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट, कस्टम डेटा सेगमेंट, कीवर्ड और टॉपिक को एज अ सिग्नल चूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के लिए। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एड इन सारे सिग्नल के बाहर जाके भी शो हो सकती है। डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्कवरी के बारे में आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडियंस सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट, कस्टम डेटा सेगमेंट को आप एज अ सिग्नल ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में फिर से यहाँ पे पॉसिबल है कि जो आपकी एड है जो सिलेक्टेड सिग्नल से हटके भी शो हो सकती है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपकी एड शो नहीं करेगा अगर आपने एक्सक्लूड किया है यूज करते हुए कस्टमर डेटा सेगमेंट। वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ऑडियंस सेगमेंट को, कस्टम सेगमेंट को, कस्टम डेटा सेगमेंट को एज अ सिग्नल ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के लिए। यहाँ पे भी क्या है, सिलेक्टेड सिग्नल के बाहर जाके भी आपकी एड शो हो सकती है। दोस्तों प्लेसमेंट यहाँ पे एज अ सिग्नल वर्क नहीं करता है, तो इसमें जो आप प्लेसमेंट चूज करेंगे उन्हीं पे आपकी एड शो करेगी। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपकी एड शो नहीं करता है उन यूजर्स को जो आप एक्सक्लूड करते हैं यूज करते हुए कस्टमर डेटा सेगमेंट। जब आप एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन टारगेटिंग में आप देख सकते हैं, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। तो आप जब इसको यहाँ पे एड टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ से ऑडियंस सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आपको कोई ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो अगर इस आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ से अनचेक करना है, तो आपका जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है वो यहाँ पे ऑफ हो गया। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को यूज करें, बिकॉज ये ऑडियंस एक्सपेंशन की तरह नहीं है कि गूगल एड सिर्फ ट्राई कर रहा है कि जो आपने सिग्नल दिए उनके लुक लाइक ऑडियंस सेगमेंट को वो फाइंड आउट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके लैंडिंग पेज पे कीवर्ड्स हैं, ये जो आपके एसेट्स में कीवर्ड है उनके बेसिस पे जो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है, और यहाँ पे गूगल भी आपकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से एनालिसिस करता है कौन से जो यूजर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एनेबल करें अपने कैंपेन में, इसको एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम दें, उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो डेटा को चेक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कैंपेन में। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग जो भी डिस्प्ले वीडियो या डिस्कवरी कैंपेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड मेन्यू से यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। ऑडियंसेस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे शो टेबल पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी मेरा एक कैंपेन पॉज है, बट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्लर किया है ये मेरी ऑडियंस सेगमेंट है जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में टोटल में आप देख सकते हैं एक्सपेंशन एंड ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। जब आपकी कैंपेन रन करेगी उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं टोटल जो आपके सेगमेंट है उनका यहाँ पे क्या डेटा है, कितने क्लिक है, कितने इंप्रेशन, क्या सीटीआर है, क्या कन्वर्जन है। साथ ही में जो गूगल ने ऐड किए होंगे सेगमेंट उनका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने सिग्नल सिलेक्ट किए उनमें आपकी जो कैंपेन किस तरह परफॉर्म कर रही है, कितना आपको सीटीआर मिल रहा है, क्या आपका एवरेज सीपीसी, कितने कन्वर्जन है। साथ ही में जो गूगल ने जो सेगमेंट को ऐड किया है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं फिर से आपको बोलूंगा गूगल यहाँ रिकमेंड करता है 2 वीक्स का टाइम, तो एटलीस्ट आप अपनी कैंपेन को उतना टाइम दें, उसी के बाद आपको इस वाले यहाँ पे जो ऑडियंस वाले सेक्शन पे आके टोटल में एक्सपेंशन और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में आके आपको अपना जो डेटा उसको आप चेक कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं एग्जिस्टिंग कैंपेन में, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ऑडियंस एक्सपेंशन उसको ऑफ करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको यहीं से ऊपर टॉप में जो आपको शो कर रहा है एडेड ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करना है, आपको अपने एड ग्रुप को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे टॉप में दिख रहा है एडेड ऑल टारगेटिंग पे क्लिक करना है, आप यहाँ देख सकते हैं सेटिंग्स में ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फिर से आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप नहीं चाहते इसको यूज करना तो आपको यहाँ से जो इसको अनचेक कर देना है, तो यहाँ से क्या होगा जो आपकी ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है वो ऑफ हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरह ऑप्टिमाइज टारगेटिंग डिफरेंट है ऑडियंस एक्सपेंशन से, किस तरह की कैंपेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं, कितना टाइम आपको देना है ताकि आप जो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर पाए। आपका कोई भी क्वेश्चन आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।